तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं तो बीसीसी 109 की यूनिट 5 में आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इंटरटेम्पोरल मॉडल। उसके बारे में हम जो फिशर का जो विचार है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो न केवल इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एमए इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक है, इसके अलावा यूजीसी नेट में, पीजीटी इकोनॉमिक्स में, तमाम जगह जहाँ पे भी ये टॉपिक रिलेवेंट होगा वहाँ पर हम इस वीडियो को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फिशर की जो थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं फिशर थ्योरी ऑफ कंजम्पशन इन टू पीरियड मॉडल, ये क्या समझाने की कोशिश करती है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो भी फंडामेंटल है वो कीन्जियन है, तो केन्ज का जो थ्योरी है वो बताती है कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि यहां पे ये जो कंजम्पशन लिया गया है ये लिया गया है प्रेजेंट और इनकम भी ली गई है प्रेजेंट। लेकिन फिशर का ये मानना था कि कंजम्पशन जो है वो केवल और केवल प्रेजेंट इनकम का ही फंक्शन नहीं है बल्कि फ्यूचर इनकम का भी फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो हमारा जो कंजम्पशन है ऑप्टिमम लेवल जब हम अचीव करेंगे तो वो करंट कंजम्पशन पे ही नहीं बल्कि फ्यूचर के कंजम्पशन पे भी डिपेंड करेगा। तो सिंपल एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 100 साल जिएगा, हम सिंपल मान रहे हैं, हम इसमें कोई मैथमेटिकल ज़्यादा टर्मोलॉजी लेंगे नहीं, 100 साल जिएगा। अब इसके दो इसके पास में मान लीजिए हॉरिजन ले लिए हमने, एक 50 साल ले लिया, यानी कि 50 साल का और 50 साल का, तो इसको हमने बोल दिया T1, इसको बोल दिया T2, यानी कि ये टाइम पीरियड 1 है, ये टाइम पीरियड 2 है। फिर हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जो कंजम्पशन किया जाएगा वो C1 है और इसके बीच इसमें जो इनकम कमाई जाएगी वो Y1 है। इसी तरीके से जो अगला 50 साल होगा उसमें जो इनकम कंजम्पशन किया जाएगा उसको हम बोल रहे हैं C2 और उसमें जो इनकम होगी वो होगी Y2। तो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति जिसको पता है कि वो फ्यूचर में भी कंजम्पशन करेगा वो किस तरीके से अपने कंजम्पशन लेवल को ऑप्टिमम लेकर जाएगा, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि इरविंग फिशर मॉडल इज इंटरटेम्पोरल चॉइस। इंटरटेम्पोरल का मतलब है दो टाइम पीरियड के बीच में चॉइस चैलेंज केन्जियन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। केन्जियन इनकम एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस क्या बताती है कि वर्तमान में जो कंजम्पशन है वो वर्तमान इनकम का फंक्शन है, तो इसको चैलेंज किया गया था इरविंग फिशर मॉडल के द्वारा। और उन्होंने बताया कि कंजम्पशन डिसीजन आर नॉट बेस्ड सॉल्वली ऑन करेंट इनकम बट लाइफ टाइम इनकम, यानी कि जो कंजम्पशन है वो केवल और केवल आपकी करंट इनकम पे डिसाइड नहीं होता बल्कि आपकी जो ओवरऑल लाइफ टाइम की जो इनकम है वहाँ से डिसाइड होता है। तो यहाँ से आपको जो की पॉइंट है जो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है वो ये याद रखना है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो केवल और केवल प्रेजेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता बल्कि हमारी फ्यूचर इनकम पे भी डिपेंड करता है, इस बात को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। इसके अलावा फिशर ने जो अपना बताया, मतलब फिशर ने हमें ये बताने की कोशिश की, फ्रेमवर्क एम्फसाइज़ किस पे जोड़ देता है, दैट रैशनल फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर मेक चॉइस अबाउट प्रेजेंट फ्यूचर कंजम्पशन टू मैक्सिमाइज ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। यानी कि किसी भी कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना है, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है, इसीलिए जब वो कंजम्पशन का चॉइस करेगा तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर को दोनों को एक साथ कंबाइन करके ही अपना फैसला लेगा। तो दोस्तों ये टॉपिक ये हम आपको समझाएं किस तरीके से कंजम्पशन को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज पहुंचाया जाता है, कुछ बेसिक अजम्पशन है वो पहले आप समझ लीजिए। तो पहली अजम्पशन ये है कि टू टाइम पीरियड है, जैसा कि हमने आपको बताया टाइम पीरियड टू है, T1 और T2, यानी कि एक पीरियड है टाइम T1 और दूसरा पीरियड T2। इसके अलावा कंज्यूमर रैशनल है, इसका मतलब वो अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करने के लिए ही सारे काम करेगा। नो इनिशियल वेल्थ, हम ये मान के चल रहे हैं कि जब कंज्यूमर या अपना डिसीजन लेता है तो जब वो जन्म लिया तो उसके पास किसी भी तरीके से असेट्स नहीं थी और मरने के बाद भी उसको असेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एक तरीके से असेट्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके अलावा इनकम केवल कमाई से होती है, यानी कि किसी भी तरीके का और कोई तरीका नहीं है, इनकम का कोई और सोर्स
नहीं है, प्रॉपर्टी वॉपर्टी से कोई इनकम नहीं होती है। इसके अलावा कंज्यूमर जब मर जाएगा सेकेंड पीरियड के बाद, तो उसके बाद किसी भी तरीके का संपत्ति छोड़ के नहीं जाएगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो कुछ बेसिक अजम्पशंस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। कंसेप्ट आप समझें, उससे पहले आप याद रखिएगा ये कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी कि हम दो टाइम पीरियड लेंगे T1 T2, दो कंजम्पशन है C1 और C2, यानी कि फ्यूचर का कंजम्पशन C2 है और फ्यूचर की इनकम Y2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे कि कंज्यूमर कितना कंजम्पशन कर पाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हम ये कंस्ट्रेंट हो गई। जैसे हमने बजट कंस्ट्रेंट पढ़ा हुआ है वैसे ही इंटरटेम्पोरल कंस्ट्रेंट है। सो दिस कंस्ट्रेंट रिफ्लेक्ट टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन इन बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीरियड, यानी कि ये कंस्ट्रेंट हमें ये बताता है कि कंज्यूमर के पास करेंट में और फ्यूचर में कितना कंजम्पशन के लिए अवेलेबल। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको एक बार आप ध्यान से समझिएगा। हम ये मान के चल रहे हैं, सपोज़ कीजिए हम ये मान, जैसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बाद में इसको बड़ा कर लेंगे, हाँ यहाँ पर समझा देते हैं आपको, ठीक है यहाँ पर समझा देते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए मेरी इनकम जो है करेंट में वो 1000 है, 100000 रुपये है, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला तो मैं क्या करूँगा, सारा का सारा अभी खर्चा कर दूंगा, और फ्यूचर में मान लीजिए मेरे को एक्सपेक्टेड है कि 100000 रुपए की इनकम होगी, तो जब फ्यूचर में 100000 रुपए इनकम होगी तो दोबारा खर्चा कर देंगे, बात खत्म, अभी 100000 रुपए है अभी खर्चा करो। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो करंट कंजम्पशन है वो करंट इनकम के बराबर है और फ्यूचर कंजम्पशन जो है वो फ्यूचर इनकम के बराबर है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम ये दूसरा, ये तो एक केस हो गया, दूसरा केस हम मान के चल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसका 80% हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और 20% बचा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा करंट कंजम्पशन जो है वो लेस देन होगा इनकम से, बिल्कुल सही बात है, जब आप 80000 खर्चा कर रहे हो तो डेफिनेटली कम होगा, लेकिन जो फ्यूचर का कंजम्पशन होगा वो ज़्यादा होगा किससे, फ्यूचर की इनकम से। इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए, यानी कि अगर आप करंट में कम कंजम्पशन करोगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपका कंजम्पशन फ्यूचर की इनकम से ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जो सेव करोगे वो भी तो फ्यूचर में जाके कंज्यूम करोगे, क्योंकि अगली जनरेशन के लिए तो आपको कुछ रखना नहीं है। इसी तरीके से अगर आप बोरो करते हो, अगर आप बोरो करते हो तो बोरो करते समय आपने मान लीजिए बोरो कर लिया, यानी कि आपका जो करंट कंजम्पशन है वो ज़्यादा है करंट इनकम से, तो डेफिनेटली फ्यूचर जो आपका कंजम्पशन होगा वो कम होगा फ्यूचर इनकम से। यानी कि कई तरीके की प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन यहाँ पे हम ये प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं, हम ये केस लेके चल रहे हैं जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं, ये वाला केस लेके चल रहे हैं जिसमें हम ये मान रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा लेता है, और जब इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा लेता है तो डेफिनेटली उसको जो भी पैसा वो सेव करेगा उस पर कुछ ना कुछ उसे इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। यानी कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका जो जैसे देखिए सेविंग क्या होती है, सेविंग इक्वल टू कंजम्पशन माइनस Y1 माइनस ये हमने बोल दिया, यानी कि जो सेविंग है करंट पीरियड की वो इक्वल होता है करंट इनकम के माइनस करंट कंजम्पशन के, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हम लिख देते हैं C1 क्या है, C1 किसके बराबर है, Y1 माइनस S1 के, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जो आपने कंजम्पशन किया है वो किसके बराबर होगा, C1 करंट कंजम्पशन होगा करंट की इनकम। मान लीजिए आपने 80000 रुपये खर्चा किया और इनकम थी आपकी 100000 रुपये और 20000 रुपये आपने सेव कर लिया, सिंपल सी बात है, डेफिनेटली बात है। अब लेकिन अब जब पीरियड टू आएगा तो यहां पे जो आपने सेव किया था उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1+R S1, यानी कि 20000 का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, हम टाइम पीरियड नहीं ले रहे, जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10% इंटरेस्ट है तो 20000 रुपये का 1.10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, प्लस Y2। तो ये आपका है करंट कंजम्पशन, ये आपका है फ्यूचर कंजम्पशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यही बातें हमने यहां पे लिखने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जो C1 है करंट कंजम्पशन है वो किसके बराबर है, इनकम माइनस सेविंग के,
और जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो किसके बराबर है, आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ये आपका वो पैसा है जो आपने टी वन पीरियड में बचाया था प्लस वाई टू के बराबर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इससे हम एक बजट कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके लिए हम एक मैथमेटिकली अरेंजमेंट कर रहे हैं, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं आपको। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सी टू है वो किसके बराबर है, सी टू बराबर है किसके, वाई टू प्लस वन प्लस आर एस वन के। और अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों हिस्सों को वन अपॉन आर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसको हमने क्या किया, वन आर से डिवाइड कर लिया, इसको भी वन अपॉन आर से डिवाइड कर लिया, और इसको भी वन अपॉन आर से डिवाइड कर लिया। तो ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा सी टू अपॉन वन प्लस आर इक्वल टू वाई टू अपॉन वन प्लस आर प्लस एस वन। अब हम जानते हैं कि जो एस वन होता है वो किसके बराबर होता है, वाई वन माइनस सी वन के। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे सी टू अपॉन वन प्लस आर इक्वल टू वाई टू अपॉन वन प्लस आर प्लस वाई वन माइनस सी वन। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इस तरीके से हमारा है। अब हम इस सी वन को इस तरफ ले आते हैं, सी वन की वैल्यू को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, सी वन प्लस सी टू अपॉन वन प्लस आर इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन वन प्लस आर। बेसिकली इसका मतलब है करंट कंजम्पशन, इसका मतलब है कि जो आप फ्यूचर में कंजम्पशन करोगे उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है, उसका करंट में कितना वैल्यू है कंजम्पशन की। इसका मतलब होता है आपका करंट इनकम आपकी कितनी है, और इसका मतलब होता है आपका कि जो फ्यूचर में इनकम होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये इसका बेसिकली मतलब है। तो इस तरीके से हमारा बजट कंस्ट्रेंट आता है, और ये हमारी एक तरीके से लिमिट बन गई। अब अगर मान लीजिए हम C1 को जीरो मान लें, हम ये मान लें कि अगर आपके C1 जीरो रहेगा, यानी कि एक तरीके से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि C1 जीरो रहेगा, तो उस केस में C2 कितना रहेगा, एक बार हम देख लेते हैं। C2 जो होगा, मैक्सिमम C2 कितना होगा, इस वाले इक्वेशन के थ्रू देखेंगे। C2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा Y1 प्लस Y2 ब्रैकेट में 1 प्लस R। ये हमारी हो जाएगी जो वैल्यू रहेगी, वो रहेगी C2 की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम C2 को जीरो मान लें, यानी कि हम ये मान लें कि फ्यूचर में हम किसी भी तरीके का कंजम्पशन नहीं करेंगे, जो कंजम्पशन करेंगे वो आज ही करेंगे, सारा का सारा बोरो कर लेंगे, तो उस केस में हमारा बनेगा, C2 को जीरो मान लेंगे तो C1 किसके बराबर बनेगा, C1 बराबर Y1 प्लस Y2 ब्रैकेट में 1 प्लस R के बराबर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी एक मैक्सिमम लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो देखिए किस तरीके से दिखाएंगे, ये मान लीजिए हमारी लाइन है, इसको हम अगले पेज पे दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, देखिए ये वाला बना देते हैं। तो ये लाइन है, यहां पे हमारा है मैक्सिमम एम पॉइंट ले लिया, यहां पे हमने एन पॉइंट ले लिया है, और बिल्कुल बीच में हमने पी पॉइंट ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंजम्पशन है ये हमारा है सी टू इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू वन प्लस आर। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारा का सारा कंजम्पशन करेंगे फ्यूचर में, और इस केस में जो सी वन होगा इट विल बी जीरो इस वाले केस में, एम वाले पॉइंट पर। और जिस केस में ये वाला केस होगा तो इसका मतलब है कि जो सी टू होगा वो जीरो होगा, और जो सी वन होगा वो बराबर होगा वाई वन प्लस वाई टू वन प्लस आर के। और इसका मतलब ये हुआ कि C1 Y1 के बराबर है और C2 Y2 के बराबर है। बेसिकली ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि अगर हम अपना सारा कंजम्पशन प्रेजेंट में ही कर देंगे, फ्यूचर में जो इनकम होगी उसको भी प्रेजेंट में खर्च कर देंगे, तो आपको एंड पॉइंट मिलेगा,
सारी की सारी सेविंग करेंगे और फ्यूचर में ही कंज्यूम करेंगे तो आपको एम मिलेगा, और जो आज का पैसा है वो आज खर्च कर देंगे और फ्यूचर का पैसा फ्यूचर में खर्च करेंगे तो आपको पी पॉइंट मिलेगा। बेसिकली ये बजट कंस्ट्रेंट है जिसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, अगर आपको कुछ समझ में आने में इशू रहा होगा तो। अब बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपकी मान लीजिए इनकम है 1,00,000 रुपए की करंट में, और फ्यूचर में भी 1,00,000 रुपए की इनकम है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो फ्यूचर की जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 1,00,000/1+0.1। बेसिकली इसका मतलब है कि जो फ्यूचर में 1,00,000 रुपए मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू लगभग हम मान रहे हैं सिंपल 90,000 रुपए के आसपास बनती है। हम कैलकुलेशन में तो 90 नहीं बनेगा लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1,90,000 रुपए हैं खर्चा करने के लिए। तो अगर आप 1,00,000 रुपए अभी के अभी 1,90,000 रुपए अभी खर्च कर दोगे तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा C1 का। और अगर आप क्या करते हो, आप अभी खर्चा नहीं करते, आप फ्यूचर में खर्चा करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1,00,000 रुपए तो मिलेंगे फ्यूचर में, प्लस आपको जो 1,00,000 रुपए मिलेगा फ्यूचर में उस पर आपको 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि लगभग लगभग आपका 1,02,10,000 रुपए हो जाएगा फ्यूचर में जाके। तो ये आपका हो गया C2। इसका मतलब आज आप खर्चा कर सकते हो 1,90,000 रुपए करंट के हिसाब से, मतलब आप क्या करोगे, सारा का सारा बोरो ले लोगे पैसा जो फ्यूचर में इनकम होने वाली है और करंट में खर्चा कर दोगे। इसका मतलब है कि आप अभी कुछ नहीं खर्चा करोगे तो 2,10,000 रुपए की आपकी लगभग लगभग कंजम्पशन होगा फ्यूचर में। तो इससे जो लाइन बनी इसको बोलते हैं बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेन। और इसका मतलब अगर हम इस बीच पॉइंट पे ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि करंट में आपने 1,00,000 रुपए खर्चा किया और फ्यूचर में भी जाकर आप 1,00,000 रुपए का ही खर्चा करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतने सिंपल एग्जाम्पल देने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इतना आसान होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट बहुत आसानी से समझाया जाए। तो यहाँ तक हमारी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार कंज्यूमर प्रेफरेंस किस तरीके से होता है। देखिए जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात करें तो कंज्यूमर हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहेगा, यानी कि यूटिलिटी किसका फंक्शन है, कंजम्पशन और कंजम्पशन करंट का और कंजम्पशन टू का। यानी कि किसी भी कंज्यूमर का जो उद्देश्य होता है, जो टारगेट होता है, जो जरूरत होती है वो अपने कंजम्पशन लेवल को मैक्सिमम करने की होती है। हर पर्सन अपने कंजम्पशन को मैक्सिमम करने के लिए काम कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर है प्रेफरेंस ओवर हाउ दे एलोकेट कंजम्पशन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि आपको याद रखना है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो करंट के इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे, जो फ्यूचर को प्रायोरिटी देंगे और वो फ्यूचर में खर्चा करेंगे। कुछ लोग इस थ्योरी पर होंगे कि आज ही है जिंदगी, आज जी लो, कल का क्या भरोसा, वो आज ही कंजम्पशन करेंगे। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि कंजम्पशन लेवल क्या होगा, लेकिन इंडिविजुअल कोई भी हो उसका उद्देश्य है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना। तो कुछ की कंसेप्ट आप समझ लीजिए। सबसे पहला है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। द स्लोप, अब इंडिफरेंस कर्व की तरह इसका स्लोप इस तरीके का होगा, इस तरीके का। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप प्रेजेंट के कंजप्शन को बढ़ाओगे, आप फ्यूचर के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हो कंपेरेटिवली कम करोगे। मतलब करंट कंजम्पशन, देखिए यही बात यहां पे लिखी हुई है, हाँ, इट शो हाउ मच फ्यूचर कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर मोर करंट कंजम्पशन वाइल कीपिंग द सेम यूटिलिटी लेवल। द MRS डिक्रीज एज मोर एज कंज्यूम इज प्रेजेंट। यानी कि जैसे जैसे प्रेजेंट में ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा MRS कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेम अमाउंट कंजम्पशन प्रेजेंट में करने के लिए कंज्यूमर फ्यूचर के लिए लेस सेटिस्फेक्शन करने को तैयार होगा, जिसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो ओरिजन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा आपको याद रखना है कि जो इसका स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि हमें बेसिकली कंज्यूमर जो है वो अगर प्रेजेंट को ज़्यादा मतलब सेव करता है प्रेजेंट में तो फ्यूचर में ज़्यादा कंजम्पशन कर पाएगा, और अगर प्रेजेंट में ज़्यादा खर्चा करता है तो फ्यूचर में कम कंजम्पशन कर पाएगा। इसके अलावा यूटिलिटी फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी कंज्यूमर की जो यूटिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कंजम्पशन ऑफ वन पर और कंजम्पशन ऑफ टू पर।
तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है, एक डायग्राम के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है जो ये वाले पॉइंट पे बता रहा है कि ये आपका कंजम्पशन C1 है और आपका ये कंजम्पशन C2 है। अगर आप करंट कंजम्पशन को बढ़ाते हो तो आपका ये वाला घट जाएगा और इसको घटाते हो तो ये वाला बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है। लेकिन अगर किसी वजह से वो करंट कंजम्पशन और करंट फ्यूचर कंजम्पशन को बढ़ा पाए, तरीका क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर बढ़ा पाए, जैसे मान लीजिए इनकम बढ़ जाए, एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ जाए, तो करंट की भी कंजम्पशन बढ़ेगा, फ्यूचर की भी कंजम्पशन बढ़ेगा। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, मुझे उम्मीद है कि मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊंगा, तो डेफिनेटली उम्मीद के बेस पे भी हम करंट के कंजम्पशन को बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसीलिए जिसकी उम्मीद होती है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी, वो प्रेजेंट में ही अपनी कंजम्पशन को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ सब चला जाएगा, जो कि हायर वेलफेयर को दिखा रहा है, हायर वेलफेयर। तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम लेवल कैसे डिसाइड होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, आपका सबसे पहले हम लेंगे बजट कंस्ट्रेंट, ये हमारा है सी वन, ये हमारा सी टू, और ये आपकी लाइन हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सारा का सारा कंज्यूम करोगे करंट में, फ्यूचर में, सॉरी करंट में, तो आपका ये सी वन मिलेगा, और सारा का सारा खर्चा करोगे फ्यूचर में तो आपको ये सी टू मिलेगा। इसके अलावा आपके पास में ये मान लीजिए कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हैं, तो ये हमारा है मान लीजिए सी वन, सॉरी आई सी वन, आई सी टू और आई सी टू। तो कंज्यूमर ऑप्टिमम लेवल तब अचीव करेगा जब बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट टच करेगी किसको, हायर इंडिफरेंस कर्व को। तो ये वाला लाइन है, यानी कि इस केस में कंज्यूमर इतना कंजम्पशन करेगा करंट में और इतना कंजम्पशन करेगा फ्यूचर में। तो बेसिकली दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, कंज्यूमर मेक ऑप्टिमम कंजम्पशन एंड सेविंग डिसीजन बाय बैलेंसिंग दी इंटरटेंपोरल बजट, यानी कि कुछ पैसा वो फ्यूचर के लिए खर्च करेगा, कुछ पैसा वो करंट के लिए बचत करेगा, और अल्टीमेटली वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पर उसको ऑप्टिमम यूटिलिटी मिल रही हो। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा हम आपको अगली वीडियो में ये भी कंटिन्यू कराएंगे कि अगर इनकम में चेंज हो जाता है तो इस बजट ऑप्टिमम लेवल पे क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सारा असर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो इसका असर क्या पड़ेगा इस पूरे के पूरे ऑप्टिमम लेवल पर। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारी पूरी वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में मिलेगी, साथ ही साथ आपको ये PDF नोट जिससे हम माध्यम से हम आपको बना रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होंगे, और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारे पूरे के पूरे कोर्स का एक्सेस करना है तो वो भी आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।